नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका दमदार शख्सियत में। और आज हम आपको जिस दमदार शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, उनका भगवान शिव की नगरी काशी से बहुत ही खूबसूरत सा नाता है। काशी जिसे मुक्ति का स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ की एक कड़वी सच्चाई ये भी है, यहाँ से जुड़ी लावारिस शवों से जुड़ी। काशी में कई ऐसी लावारिस शव हैं जो सड़कों के किनारे या रेलवे ट्रैक्स पर मिलते हैं। इन लोगों का ना दाह संस्कार हो पाता है और ना ही इनको कफन नसीब होता है। पर ऐसे में यहाँ पर महादेव का एक भक्त इन लावारिस लाशों के लिए मसीहा बना हुआ है, जिनका नाम है नित्यानंद तिवारी, जो कि जन उद्धार की मंशा से अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में लावारिस शवों के लिए बहुत काम किया है। आपको बता दें कि अब तक करीब 24,000 से ज्यादा शवों का ये दाह संस्कार करवा चुके हैं, और वो भी अपने खुद के खर्चे पर। आपको बता दें, इन्हें नित्यानंद तिवारी जी काशी से जुड़े हैं और अब वो खुद की एक राजनीतिक पार्टी लेकर जनता के बीच उतर आए हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी कार्य से वो हमेशा से जुड़े रहे, चाहे काशी हो या मथुरा। उनके समाज सेवी कार्य हमेशा ही लोगों के बीच एक खास छाप छोड़ते आए हैं, और इसी दौरान अब वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं। आपको बता दें, जो लावारिस शव होते हैं नित्यानंद तिवारी जी उनका अपने ही खर्चे पर दाह संस्कार करवाते हैं। शव चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसका दाह संस्कार उसी विधि विधान के साथ और पूरी धार्मिक गतिविधियों के साथ करवाया जाता है। तो वहीं पुलिस की तरफ से भी लावारिस शवों के लिए नित्यानंद तिवारी की संस्था को फोन किया जाता है, और बस फोन करने की देरी होती है कि नित्यानंद तिवारी अपनी तरफ से टीम भेजते हैं जो कि शवों का संस्कार करवाते हैं। आपको बता दें कि नित्यानंद तिवारी जिससे अब खास बातचीत करेंगे अब से कुछ ही देर में, और समाज सेवा से जुड़े उनके करियर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या विजन लेकर अब उनकी पार्टी समाज के बीच उतर रही है, इस पर भी आज खास चर्चा करेंगे। नित्यानंद तिवारी जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि अपने जीवन काल में उन्होंने अंतिम संस्कार को एक ऐसा जरिया बनाया जिसके जरिए जो लोग हैं जिनका दाह संस्कार नहीं हो पाता और जो लावारिस होते हैं उनका दाह संस्कार किया जाता है, ऐसे शवों का जिन्हें कोई नहीं पूछता। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नित्यानंद तिवारी जी। नित्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। स्वागत आपका आर्य। तो नित्यानंद जी, आप राजनीतिक पार्टी लेकर जनता के बीच अब आ उतरे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में सर? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी राम राज्यवादी संगठन पे आधारित है, और हम लोग राम राज्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरे समाज को, जैसे राम राज्य में सब साथ, कोई जात और संप्रदाय का झगड़ा नहीं था। मैं चाहता हूं कि इस संगठन से लोग जुड़े और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर हम लोग समाज सेवा में आगे बढ़े। नित्यानंद तिवारी जी, आपके जो काम है, जो भी समाज सेवी काम है, हमेशा ही लोगों के बीच एक खास जगह बनाकर रखते आए हैं। काशी हो या मथुरा, आपके कामों की चर्चा हर जगह रहती है, और जो अंतिम संस्कार जिस तरह से आप लावारिस शवों का करवाते हैं काफी उल्लेखनीय है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, नित्यानंद जी ने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड भी अपने नाम किए। नित्यानंद जी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसा कि लावारिस लाशों के आपको मालूम ही है, और मुझे बड़ा अपने को गर्व महसूस होता, अपने बड़ी शांति मिलती अपने दिल को कि मैं 2013 से अभी तक लगातार लावारिस जो भी लाशों को मैंने कई घटनाएं ऐसी देखी जिसपे कि पुलिस वाले ले जाके गंगा जी में प्रवाह फेंक देते थे डेड बॉडी को, मैंने वो देख करके मैंने संकल्प लिया 13 सितंबर 2013 से, और लगातार मैं जो भी चाहे हिंदू के सौ हो चाहे मुस्लिम भाई के सौ हो, अगर हिंदू की लावारिस की डेड बॉडी है या असहाय है तो मैं उसका बनारस हरिश्चंद घाट पे, और अगर मुस्लिम भाई के किसी सौ है तो मैं स्वयं कब्रिस्तान में जाता हूँ और अपनी तरफ से उनका उनके धर्मानुसार उनका अंतिम उस सौ का अंतिम संस्कार कराता हूँ। जी बिल्कुल नित्यानंद तिवारी जी, और अब आप जनता के बीच एक समाजवाद एक पार्टी लेकर उतरे हैं, क्या लगता है क्या विजन है सर आपकी पार्टी का? देखिये, हमारा बिल्कुल विजन क्लियर है, हम किसी जात धर्म की पार्टी नहीं है, जात संप्रदाय की हमारी पार्टी नहीं है। हम लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं और मानव सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर मैंने ये पार्टी बनाई है।
जी जी, जिसमें कि सारे लोग एक साथ मिल करके और हम लोग समाज की सेवा करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगार की है, तमाम बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि हम हर विधानसभा में एक इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारे उस विधानसभा के लोगों को कहीं दूसरी जगह कार्य करने के लिए न जाना पड़े और अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिले। इसके अलावा भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष ध्यान रख करके समाज की सेवा करें। जी, बहुत बेहतरीन जी विजन आपने सर बताया, लेकिन इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कुछ आपका प्लान जी रहेगा पार्टी का? किस तरीके से रोजगार आप प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए, मैंने सोच रखा है पहले तो हमारी पार्टी में सब लोग जुड़े हैं और हम लोग की पार्टी का चुनाव ने चिन्ह जो चुनाव चिन्ह है वो कैरम बोर्ड है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कैरम बोर्ड की बटन दबा के हमारे जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं उनके हाथों को मजबूत कर उनको भारी मतों से विजयी बनावे। जहां तक मेरा रोजगार का सवाल है, मैं रोजगार के लिए मैंने छोटे छोटे उद्योग धंधे गांव गांव में हम लोग लगाएंगे और उसके लिए हमारी तमाम स्कीम हमने बना रखी है और विस्तृत जानकारी हम 2-4 दिन में इसको बना के फिर देते हैं। जी, तो नितिनंदन जी, लोगों के बीच किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो धरास्थल पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ फीडबैक? नहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और हमारे कार्यकर्ता को अच्छा जवाब मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जी जुड़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग इस ऐसी पार्टी से जुड़ेंगे जहां पे जाति और संप्रदाय से आप लोग उठ करके राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जैसे राम राज्य में सब नर कर रहे परस्पर प्रीति, आपस में कोई भेदभाव ना हो, आपस में कोई जात संप्रदाय का झगड़ा ना हो। हम सब लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब लोग साथ मिलके देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और हम लोग का यही ये 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 विजन है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जी हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं इसके लिए। नित्यानंद जी, कुछ पार्टी के उम्मीदवार भी आपने घोषित किए हैं, दो उम्मीदवार, जानना चाहेंगे उनके बारे में। देखिए, नहीं, बनारस से हमारे एक कैंट विधानसभा है, कैंट विधानसभा से हमारे शेख अंबर जी लड़ रहे हैं और इसके अलावा गोरखपुर से हमारे चिल्लूपार विधानसभा से ये सुभाष दुबे जी हैं और श्रावस्ती से हमारे एक संत जी हैं, दयाराम दास जी। ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और जनता का पूरा सहयोग इनको मिल रहा है। जनता इनसे काफी इनके पुराने कार्यों को देखकर बहुत खुश है कि आप कम से कम राजनीति में आप जैसे लोग आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग हमारे बड़े दमदारी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये लोग भारी मतों से इस बार विजयी होंगे। जी, और इसके साथ ही पार्टी के विस्तार को लेकर क्या कुछ विजन आप सोचकर चल रहे हैं? जी, मैंने पार्टी के लिए सारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जगह उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मंडल अध्यक्ष बना रहा है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बना और जिला अध्यक्ष जो है वो तहसील स्तर पे और तहसील स्तर के लोग हमारे जो है ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा हमें सफलता मिल रही है। बहुत उसके लिए बहुत खुश हैं कि हमारे कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए हैं। जी, और नित्यानंद तिवारी जी, जिस तरह से आप शवों के लिए जो काम करते आ रहे हैं, उसको लेकर क्या विचारधारा है? कि एक तरफ जैसे कि आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस कार्य को भी क्या करते रहेंगे आगे, या फिर जी, क्या मैं होगा? बिल्कुल राजनीति अपने स्थान पर है और जो मेरा संकल्प है ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, मैं तो मेरा संकल्प तो यहाँ तक अब हो गया है क्योंकि जब मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो मैं मेरा कार्य क्षेत्र केवल बनारस अब नहीं रह गया, अब तो मुझे पूरा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में भ्रमण करना है। तो मेरा एक अब उद्देश्य ये हो गया है कि हम ये लावारिस लाशों को जिनको पुलिस ले जाके उनका प्रॉपर सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही थी या करा रही थी, तो मैं इसको पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को चलाने जा रहा हूँ और सारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सब बहुत खुश हैं कि नहीं भैया, आप तिवारी जी, आप हर जिले में इस कार्यक्रम को हम लोग चलाया जाए कि जिससे किसी भी शव का इस तरह की दुर्गति ना हो, उसको उसका उसके धर्मानुसार सम्मान उसका अंतिम संस्कार हो सके। इसलिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में चलाएंगे इस कार्यक्रम को। राजनीति अपने स्थान पर, समाज सेवा मेरा अपने स्थान पर, हम दोनों कार्य को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए सक्षम है और दोनों कार्य को अच्छी तरह से करेंगे। तिवारी जी, जैसे कि आप एक नई पार्टी लेकर आए हैं, पहले से ही वहां पर जी बीजेपी काबिज है सत्ता पर, तो क्या लगता है किस तरह की टक्कर रहने वाली है?
मैं समझ नहीं पाया फिर से, आपको क्या बोला आपसे? जिस तरह से पहले से ही वहां पर बीजेपी की जो पार्टी है वो काबिज है सत्ता पर, आप अपनी नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है टक्कर किस तरह की देखने? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी बीजेपी ने जो काशी में जो कार्य किया है उससे पूरी जनता नाराज है, और बीजेपी ने यहाँ पे जो एक मंदिर के लिए पूरा इन्होंने राजनीति बना करके अयोध्या के मंदिर को अभी बनाना शुरू किया, आज तक वो नहीं बना पाए, और बनारस में सैकड़ों काशी मंदिर को तोड़ करके, शिव जी के मंदिर को तोड़ करके एक एक इन्होंने बिल्कुल उसको आज जो हम लोग का पूजा स्थल था उसको इन्होंने पर्यटक स्थल बना दिया है। तो यहाँ पे जो भी भाजपा वाले कार्य किए हैं वो कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया कि जिससे जनता बहुत खुश है। तो हमें मतलब उनके, और मैं तो मुझे धर्म और मस्जिद मंदिर पे कोई बोल नहीं करना है, ये लोग जिस तरह से हिंदू मुसलमान भाई को सबको लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं मैं उसका तो विरोध करता हूँ। और मेरे साथ सबसे पहला प्रत्याशी मैंने मुस्लिम ही घोषित किया था, और हमारा मुस्लिम भाई भी रामराजवादी विचारधारा से सहमत है और रामराज की स्थापना करने के लिए वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो हमें इसमें कोई भी हमारा इनका वो नहीं है, ये जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर रहे हैं उस पर जनता भी विरोध कर रहे हैं और हम स्वयं इसका विरोध करते हैं कि आपस में हम लोग प्रेम से लड़े, प्रेम से अपना कार्य करें, बिना प्रेम से कार्य करने के पहले हम लोग को अगर हम लोग सब प्रेम से कार्य करेंगे तो हम लोग पूरी सफलता पाएंगे। तो मंदिरों के लिए कोई खास रणनीति या किसी तरह का खास विजन जो आप लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से भगवान राम का मंदिर तो अपने आप ही बन रहा है, उसके लिए उसमें भाजपा थोड़े कुछ कर रही है, ये तो भाजपा वाले झूठे अपना चिल्ला रहे हैं हम मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। भगवान राम का मंदिर हमारे अपने क्षमता ही नहीं, भगवान राम का मंदिर तो भगवान राम अपने आप ही बनवा रहे हैं और सारी अयोध्या की जनता उसके लिए तत्पर है, वो बन रहा है और उसमें हम सबका पूरा सहयोग है, हम लोग भी पूरा तरह से लगे हुए हैं और भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। नहीं, पर काशी में जिस तरह से आपने कहा मंदिरों में व्यवस्था को लेकर आप काम करना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ विजन है, क्या कुछ प्लान रहेगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए अभी अब यहाँ तो जो प्राचीन मंदिर थे उनको सबको तोड़ दिया गया, अब एक प्राचीन मंदिर के था सबको तोड़ करके बाबा काशी विश्वनाथ जी का एक मंदिर इन्होंने बनाया है, बाकी वो जो उनका क्षेत्र था वो तो एक पर्यटन स्थल हो गया, वहाँ पूजा करने के भाव से लोग कम आ रहे हैं बल्कि वहाँ पे अपना जो पार्टी मनाने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग का ये हमारे हिसाब से ये गलत हो रहा है, इतने मंदिरों को तोड़ना नहीं चाहिए था, और लेकिन अब चूंकि शासन प्रशासन उनका है, भाजपा वालों का, भाजपा वाले जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर सियासत की जा रही है और कहीं ना कहीं सियासत के लिए भी धर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं। जी, तो आपकी पार्टी कैसे लोगों से हटकर है, बाकी पार्टियों से हटकर कैसे होने वाली है, जनता ये जानना चाहती है। हमारी पार्टी बिल्कुल ये धर्म और धर्म को हम धर्म सापेक्ष है, हम धर्म सापेक्ष राजनीति करते हैं और हमारे सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्प है, हम सनातन धर्म के लिए है, हमारे यहाँ इस तरह कुछ भी ऐसा वो नहीं प्रावधान है कि जो हिंदू को अलग कर दे, मुसलमान को अलग कर दे, सिख को अलग कर दे, हम सब आपस में भाई है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, हम लोग इसकी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग धर्म जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो राजनीति जितने भी इस तरह के लोग पार्टियां हैं, ये लोग पार्टियां जाति धर्म संप्रदाय को लेकर के एक दूसरे को उलझा रही हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब आपस में भाई हैं, प्रेम से हम लोग मिले और जब हम लोग प्रेम से एक साथ काम करेंगे तो मंदिर मस्जिद ये सबका झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि किसी तरह से सब साथ में मिलकर ही आए। तो नितिन तिवारी जी, जैसे कि आपकी पार्टी है तो कितने लोग अब तक हैं जो साथ में जुड़ चुके हैं और बाकी लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह का प्रचार किया जा रहा है? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे पास मैंने मेरे हर जिले में कार्यकर्ता है जी, मेरे पास कई लाख आदमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और चूंकि चुनाव लड़ने का अभी हम लोग का उद्देश्य नहीं था लेकिन इस साल हम लोगों ने कहा नहीं भाई हम लोग को कम से कम 5 सीट पे अपने को प्रत्याशी लड़ाना है और हम लोग 500 सीट पे विजयी घोषित होंगे, और बाकी हमारे साथ हमारा सदस्यता अभियान और लोगों से मिलना जुलना हमारे कार्यकर्ता सबसे मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट पे अपना चुनाव प्रत्याशी उतारेगी और हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। जी, और आगे किसी गठबंधन की भी उम्मीद की जा सकती है नितिन तिवारी जी, या फिर आप अलग से? अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बाकी जिसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेता बताएंगे
वो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग किसी के साथ गठबंधन ऐसा करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। हमारे उद्देश्य सब लोग जो लोग मिलेंगे फिर हम उनके लिए सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा हम लोग का ऐसा कोई इरादा नहीं है जी। और प्रचार की जहां तक बात है तो पार्टी का प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसे पालन करना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे कार्यकर्ता है जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की टीम हमारे, कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा वनवासी समाज जो जंगलों में पत्तल इकट्ठा करके अपना पेट पाल रहा है, उसकी तरफ की आज तक की सरकार को चाहे जिसकी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन उधर किसी ने नहीं ध्यान दिया। मैं 3 दिन पहले उनके समाज के लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उनके घर गया था तो मुझे देख करके इतना कष्ट हुआ कि मतलब समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इतना हम लोग का विकास हो गया उसके बाद भी उनको नमक रोटी बराबर नहीं ढंग से नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज का कोई व्यक्ति उधर देखना नहीं चाह रहा है। वो राष्ट्रीय समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चेतराम वनवासी जी, वो बिल्कुल हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी के साथ उनका पूरा समर्थन है। उन्होंने हमसे कहा सर आप मेरे साथ हम लोग एक साथ कार्य करेंगे, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप हम असहाय लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग आपका पूरा समर्थन करेंगे। तो मुझे कल मिलकर बड़ी खुशी हुई कि देखिए एक समाज हमारे साथ अपने आप जुड़ गया जिसका की जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में उनकी जनसंख्या है, वो हमारे भारत विकास पार्टी के साथ कार्य करने के लिए तैयार जी जी। तो ये अच्छी बात रही कि आप अलग अलग समाज के जो लोग हैं, जो दबे हुए समाज के लोग हैं, वो भी आपकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पनितेन्द्र तिवारी जी, कुछ ऐसा लग रहा है आपको जो अब तक का कार्यकाल आपका रहा है समाज सेवा को लेकर, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा आपको मिल सकता है आपकी पार्टी को? जी बिल्कुल मिलेगा और मिल रहा है। हमें तो बनारस सब जानते ही थे, लेकिन जब से मेरा हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट लड़ रहा है शेख अंबर, वो मेरा फोटो जब लोगों को मालूम है ये नित्यानंद तिवारी जी हैं जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी के ही के उपाध्यक्ष हैं, तो मेरे साथ तो भारी बहुत ज्यादातर लोग सेवा भाव से जुड़ रहे हैं। नहीं आप तो सेवा भाव से पहले ही जुड़े हैं और आप राजनीति में आएंगे तो आप बहुत सफल होंगे, और उन लोगों की प्रेरणा से ही हमें इस फील्ड में आना पड़ा और इस फील्ड में मैं आकर के और मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे मेरे साथ सबका समर्थन को मिल रहा है जी। से आप आगे जो है कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ेंगे, और जैसे कि आपने कहा पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, तो मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से बताएं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और वो आप ही की पार्टी है। देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी जो है इसमें हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो आपके कैंट विधानसभा से लड़ रहे हैं और कैंट विधानसभा से हमारे पास शेख अंबर जी लड़ रहे हैं, और गोरखपुर में एक चिल्लो पार विधानसभा है वहां से सुभाष चंद्र दुबे जी लड़ रहे हैं, श्रावस्ती से हमारे पास ये एक दाल वो महात्मा जी हैं और वो लड़ रहे हैं, और आजमगढ़ की 2 विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है, एक निजामबाद है और वहां से हमारे कमर भाई लड़ रहे हैं, और एक सगड़ी विधानसभा है वहां से सपीर भाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। तो मतलब कोशिश आपकी पार्टी की रही है कि हर तबके के लोग यहाँ पर आएं और हर समाज के जी लोग जी, मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ कि मुझे सबका नारा है अच्छे का, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा नारा ये नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते हैं, हम अच्छे का साथ और बुरे का विनाश चाहते हैं। अगर अच्छा आदमी कार्य कर रहा है वो किसी जात का हो, संप्रदाय का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये मानता हूँ वो मानव है और मानव हर मानव के साथ मैं कंधा से कंधा मिला के तैयार हूँ, लेकिन अगर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, अच्छा आदमी नहीं है, तो मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा बेटा ही क्यों ना, मैं उसका साथ नहीं दूंगा ना मेरी पार्टी साथ देगी जी। नित्यानंद तिवारी जी, जैसे कि आपने कहा भाई बेटे की बात जिक्र की यहाँ पर, जानना चाहेंगे जैसे कि आपकी जो ये संस्था थी जो शवों का संस्कार करवाती उसमें आपके बेटे भी शामिल थे जो आपकी मदद कर रहे थे, तो पार्टी में भी क्या उन्हें टिकट मिला है या फिर वो जुड़े हैं पार्टी? नहीं नहीं, अभी हमारे बेटे अभी ये लोग अपने और कार्य में हैं, आपको मालूम होगा मेरे दो बेटे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, पार्टी में नहीं है, क्योंकि समाज सेवा वो सेवा भाव था मेरा, नहीं बेटा इस कार्य को आप लोग को करना है, तो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में तो उनका पूरा सहयोग है, लेकिन पार्टी में पूरा सहयोग उनका है, लेकिन वो फील्ड वर्क किया इस तरह उनका, हमने कहा नहीं आप लोग अपना कार्य देखिए, हम राजनीति में है, राजनीति के हमको परिवार बात नहीं करना है और पार्टियों की तरह बाप विधायक बेटा विधायक बहु विधायक वो कार्य मुझे नहीं करना है, मैं अपने पार्टी में उन्हीं लोगों को जोड़ूंगा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो समाज की सेवा करेंगे वही हमारे साथ कार्य करेंगे
जी, तो कोई मैनिफेस्टो भी तैयार किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा मेन मैनिफेस्टो राम राजवादी है, और राम राजवादी जो है वो पूर्णतया रामचरित मानस पे आधारित है। हमारा मुख्य कार्य करने का जो आधार है वो रामचरित मानस है। रामचरित मानस में मैं समझता हूँ एक पिता पुत्र का क्या संबंध है, भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, और पत्नी का, वो सारे आदर्श उसमें दिखाए गए हैं। समाज सेवा, इस एक आदर्श जिंदगी जीने के लिए रामचरित मानस में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मुझे अलग से मैनिफेस्टो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सबसे यही कह रहे हैं केवल एक चीज आप लोग सुधार लिए, सब लोग आपस में प्रेम से रहना शुरू कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जितना विवाद जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रामचरित मानस पर जो है आधारित है, तो क्या आपको लगता है जो बाकी समुदाय के जो लोग हैं वो इस विचारधारा से रिलेट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग की गलत फहमी है। मैं मेरे कई ऐसे मुसलमान दोस्त भी हैं जिनको रामचरितमानस पे हम समझते हैं। मैं अपनी बात अगर करता हूँ, मैं अपने ये कह सकता हूँ कि उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है जी। तो ये जो हम लोग भ्रम पाल के रखे हैं कि रामचरितमानस केवल हिंदू के लिए है और कुरान केवल मुसलमान के लिए है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये दोनों कोई भी संप्रदाय हो, किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा बैर करने का कहीं भी कुछ नहीं जिक्र किया गया, चाहे रामायण हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो आपका कुरान हो जी। चलिए, नित्यानंद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी। दर्शकों को बता दें कि नित्यानंद तिवारी जी हमारे साथ आज दमदार शख्सियत में शामिल हुए थे, और इनकी शख्सियत वाकई इतनी दमदार है कि इसका रुतबा उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। आपको बता दें, अपने अच्छे कार्यों को लेकर वो हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं, और अब एक बार फिर से वो राजनीति की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और उनकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। और इसी के साथ ही एक खूबसूरत विचारधारा के साथ एक नई पार्टी जनता के बीच है। देखना यह होगा कि इस पार्टी को आने वाले चुनाव में कितना प्यार मिलता है और ये सत्ता पर कितनी हद तक काबिज हो पाती है। दमदार शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें आर्य न्यूज के साथ।